जो भी सबूत और दस्तावेज पेश किए गए हैं उसके आधार पर नजीर अहमद को दोषी माना जाता है और उसे दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। मुझे पूरा यकीन है कि सरकार मुझे कभी भी फांसी दे सकती है। आजादी के नाम पर जाने कितनी पुश्तें आप लोगों ने बर्बाद की है। अल्लाह से तो डरिए। तलाशी इस वक्त एक आतंकवादी के घर में तलाशी लेने का कोई वक्त नहीं होता। गालिब, मेरी बात तो गालिब, मेरी बात तो सुनो गालिब। तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारा नाम खालिब क्यों रखा? क्योंकि वो चाहते थे कि तुम भी मिर्जा खालिब की तरह महान बन सको, और वो ये भी चाहते थे कि तुम्हारे आसपास कितना भी माहौल खराब क्यों ना हो लेकिन उसका असर तुम पर ना पड़े। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमने यहाँ सांसें ली हैं और इसी मुल्क के होके मरेंगे।